हमने पढ़ा था कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट, उसकी क्या प्रॉपर्टी पढ़ी? यूनिटरी मेजर्स होते हैं, कोरिलेशन की वैल्यू -1 to +1 इंक्लूसिव बोथ एंड दे आर नॉट इफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल, बट दे आर इफेक्टेड बाय चेंज इन साइन ऑफ स्केल. इफ यू इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए बाय पी, बी इज इक्वल्स टू वाई माइनस C by D, then अगर B और D दोनों का साइन सेम तो R U V क्या होता है, जो R X Y दे रखा है, अगर दोनों का साइन अपोजिट तो R U V क्या होता है, माइनस ऑफ R X Y हो जाता है. ठीक है, चलो आज हम नेक्स्ट मेथड पढ़ेंगे, दैट इज स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट. स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, यहाँ पे जब क्वालिटेटिव डेटा दे रखा हो, क्वालिटेटिव डेटा का मतलब क्या होता है, जो डेटा जिसको मेजर नहीं किया जा सकता, विच कैन नॉट बी मेजर्ड, उसको क्वालिटेटिव डेटा कहते हैं. जैसे कि आपकी ब्यूटी, जैसे कि आपकी ऑनेस्टी, जिसको आप मेजर नहीं कर सकते, उन चीजों को क्वालिटेटिव डेटा कहते हैं. तो जब हमें क्वालिटेटिव डेटा दे रखा हो तब भी हम स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट काम में ले सकते हैं. यहाँ पे टू जजेस का अगर आपको लेवल ऑफ अग्रीमेंट निकालना हो कि दोनों जजेस एक दूसरे से कितना अग्री करते हैं, 10%, 5%, 2% एक दूसरे की बात से कितना अग्री करते हैं, तो ये हम स्पीयरमैन रैंक से निकाल सकते हैं. स्पीयरमैन रैंक का फॉर्मूला होता है 1 - 6 सिग्मा डी आई स्क्वेयर अपॉन एन एन स्क्वेयर माइनस वन. यहाँ पे सिग्मा डी आई स्क्वेयर, सॉरी, यहाँ पे DI का मतलब होता है, DI का मतलब होता है डिफरेंस इन रैंक. कैसे निकालते हैं, फॉर एग्जाम्पल मुझे X पे रखा है, Y पे रखा है, लाइक ये एक्स दे रखा है, ये वाई दे रखा है अपन को. अब क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले अपन रैंक देते हैं, रैंक ऑफ एक्स, रैंक ऑफ वाई. रैंक कैसे दी जाती है, जो सबसे बड़ा नंबर उसकी फर्स्ट रैंक. सबसे बड़ा नंबर कौन सा है यहाँ पे, 19, तो इसकी कौन सी रैंक हो गई, फर्स्ट. सेकेंड जो उससे छोटा उसकी सेकेंड रैंक, 18. देन इसकी थर्ड रैंक, इसकी फोर्थ रैंक, इसकी फिफ्थ रैंक, इसकी सिक्स्थ रैंक, इसकी सेवेंथ एंड इसकी एट्थ रैंक. ऐसे ही आप रैंक ऑफ वाई देते हो, जो सबसे बड़ा नंबर उसकी फर्स्ट रैंक, उससे छोटे की सेकंड, उससे छोटे की थर्ड एंड सो ऑन. यहाँ सबसे बड़ा नंबर ये है इसकी फर्स्ट रैंक, देन सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक, फिफ्थ रैंक, सिक्स्थ रैंक, सेवंथ रैंक एंड एट्थ रैंक. सबसे बड़े को फर्स्ट, उससे छोटे को सेकंड, उससे छोटे को थर्ड एंड सो ऑन. फिर DI निकालते हैं. DI कैसे निकालते हो, रैंक ऑफ X में से क्या माइनस कर देते हो, रैंक ऑफ Y माइनस कर देते हो. 4 - 7 कितना होगा, -3. 3 - 4 - -1. 2 - 2 - 0. 8 - 5 - 3. 7 - 3 - 4. 6 - 8 - 2. 1 - 6 - 5. 5 - 1 - 4. फिर क्या निकालते हो, DI का स्क्वायर निकालते हो. अभी DI का स्क्वायर निकालता हूँ, मुझे सम करना है. ये डायरेक्टली मैं कैलकुलेटर पे कर सकती हूँ, क्योंकि माइनस इनटू माइनस क्या होता है बच्चों, प्लस होता है. तो ये साइन को भूल जाओ, आप लोग डायरेक्टली कैलकुलेटर पे करो. 3 × 3 m+, 1 × 1 m+, 3 × 3 m+, 4 × 4 m+, 2 × 2 m+, 5 × 5 m+, 4 × 4 m+. फिर क्या दबाओ, प्लस माइनस कितना, डायरेक्ट कैलकुलेटर पे मैंने सिग्मा डी आई स्क्वायर निकाल लिया, क्योंकि मुझे पता है माइनस इनटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है. अब आप लोग फॉर्मूले में पुट कर दो, आर इक्वल्स टू 1 - 6 इनटू सिग्मा डी आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 18. ये जो डिवाइड है ये बच्चों सिर्फ 6 के नीचे है, 6 सिग्मा डी आई स्क्वायर के नीचे.
जो बच्चे जनरली मिस्टेक करते हैं वो वन के नीचे भी डिवाइड का सिंबल लगा देते हैं, वो वन के नीचे नहीं लगाना हमें बिल्कुल भी, हमें सिर्फ यहीं पे डिवाइड करना है एन। एन का मतलब काउंट द नंबर ऑफ टर्म्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 स्क्वायर माइनस 1 सॉल्व कर सकते हो। पहले ये पोर्शन सॉल्व होगा फिर वो 1 में से माइनस होगा, 6 इंटू 80 कितना है ये 480, 8 इंटू 8 माइनस 1 इंटू 8 नीचे है आपके पास 504, 1 में से माइनस कर दो। ये हमें एलसीएम लेकर सॉल्व नहीं करना, डायरेक्टली कैलकुलेटर पे करो, 480 डिवाइडेड बाय 504 जो आंसर आया उसको 1 में से माइनस कर दो, तो आपका आंसर आ गया 0.0476। तो आपकी रैंक कोरिलेशन की वैल्यू कितनी आ गई, 0.0476 आ गई। समझ में आ गई क्या किया, बहुत इजीएस्ट था ये। इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस 6 सिग्मा डी एस स्क्वायर अपॉन एन एन स्क्वायर माइनस 1। सबसे पहले क्या करते हैं यहाँ पे अपन रैंक ऑफ एक्स देते हैं। रैंक ऑफ एक्स कैसे देते हो, जो सबसे बड़ा नंबर उसकी फर्स्ट रैंक, उससे छोटे की सेकेंड, उससे छोटे की थर्ड एंड सो ऑन। ऐसे आप रैंक देते हो, ऐसे आप रैंक ऑफ वाई देते हो, फिर आप डी आई निकालते हो। डी आई कैसे निकालते हो, रैंक ऑफ एक्स माइनस रैंक ऑफ वाई, फिर अपन डी आई का स्क्वेयर कर कर सम कर देते हैं और फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। एक क्वेश्चन और करके देखते हैं हम। माइनस साइन इग्नोर नहीं करते बेटा, पर माइनस थ्री इंटू माइनस थ्री मतलब माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है, ऑटोमेटिक प्लस में हो गया, तो प्लस का कितना आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा। माइनस साइन इग्नोर नहीं करते, यहाँ फॉर्मूले में मॉड्यूलस नहीं लगा हुआ कि माइनस साइन इग्नोर करना है, पर क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है इसलिए मैंने डायरेक्टली प्लस मानकर उसको पूरा सॉल्व कर लिया। आया समझ में पलक। तो आगे पर ये 0.0476 माइनस में आ रहा है। माइनस का आने के बच्चों लास्ट आंसर प्लस में आ रहा है बेटा। उसने कैलकुलेटर में माइनस वन किया है तब याद। अच्छा आपने कैलकुलेटर में वो करकर फिर माइनस वन किया होगा, जबकि वन में से माइनस है इसलिए माइनस आने हटा दिया बेटा। अच्छा ठीक है मैम। आया क्या समझ में पलक? हाँ मैम आ गया। चलो एक क्वेश्चन और करके देखते हैं बच्चों। एक्स इसका निकालते हैं रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो सबसे पहले क्या करो, रैंक ऑफ एक्स दो, सबसे बड़े नंबर को फर्स्ट रैंक, उससे छोटे को सेकेंड, उससे छोटे को थर्ड, उससे छोटे को फोर्थ, उससे छोटे को फिफ्थ, उससे छोटे को सिक्स, उससे छोटे को सेवन, उससे छोटे को एट, एंड उससे छोटे को नाइन। ऐसे ही क्या दो, रैंक ऑफ वाई, सबसे बड़े नंबर को फर्स्ट रैंक, सबसे बड़ा नंबर को फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट एंड नाइन। फिर क्या निकालो, डी आई। डी आई कैसे निकालते हैं, रैंक ऑफ एक्स में से माइनस कर देते हैं रैंक ऑफ वाई। सेवन माइनस फाइव इज टू, फाइव माइनस फोर इज माइनस का वन, फोर माइनस थ्री इज वन, एट माइनस टू सिक्स, सिक्स माइनस वन फाइव, थ्री माइनस नाइन माइनस का सिक्स, वन माइनस सेवन माइनस का सिक्स, टू माइनस सिक्स इज माइनस फोर, नाइन माइनस एट इज वन। सिग्मा डी आई स्क्वायर निकालो बच्चों कितना आएगा, सब लोग निकालो कैलकुलेटर में। कितना आएगा सिग्मा डी स्क्वायर, 156।
फॉर्मूले में पुट कर दिया, 1 - 6 × 156, वेरी गुड दिया, अपॉन 9, 9² - 1, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 9, इसको सॉल्व करो और मुझे बताओ स्पेयरमैन रैंक की वैल्यू कितनी आएगी। निकालो सब लोग, निकालो सब लोग स्पेयरमैन रैंक। पॉइंट थ्री प्लस की या माइनस की? माइनस की। पॉइंट थ्री। पलक आपकी प्लस की आ रही है क्या बेटा? नहीं मैम माइनस की आ रही है। माइनस की आ रही। समझ में आ गया? समझ में आ गया। अगर इसमें ऐसा केस होता बच्चों, सपोज मुझे एक्स दे रखा है, वाई दे रखा है, लाइक ऐसा कुछ दे रखा है। अब मुझे कहो फाइंड आउट दी रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ध्यान दो बच्चों, पहले ये सीखो, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इसमें क्या देख रहे हैं हम? इसमें हमारे नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। अभी तक हमने जो किया उसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा था, सारे नंबर अलग अलग थे। इसमें सबसे बड़े नंबर को आपने फर्स्ट रैंक, उससे छोटे को सेकेंड एंड सो ऑन आप देते गए। यहाँ नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, चाहे आपका एक भी नंबर रिपीट हो चाहे कितने भी रिपीट हो, रिपीट रिपीट होता है। तो आप कैसे निकालते हो? जब नंबर रिपीटेड होते हैं तो उस केस में टाइड रैंक वाला केस हो जाता है। टाइड का मतलब क्या होता है? शेयरिंग रैंक्स। उनको रैंक्स भी क्या करनी पड़ती है? वो अपनी शेयर करनी पड़ेगी। अगर क्लास में दो बच्चों के सबसे ज्यादा नंबर आ जाए तो उन दोनों को फर्स्ट रैंक को शेयर करना पड़ता होता है, ऐसा होता है। तो जब टाइड रैंक वाला केस होता है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट का 1 - 6 सिग्मा डी आई स्क्वायर अपॉन एन एन स्क्वायर माइनस वन। ये तो जो हमने पढ़ा था वो का वो फॉर्मूला है। प्लस यहाँ पे एक चीज और जुड़ जाती है, सिग्मा टी जे क्यूब माइनस टी जे अपॉन 12। ये और यहाँ पे जुड़ जाता है और ये पूरे इसके डिवाइड में होता है। जब नंबर्स रिपीट होते हैं हमें खुद को देखना पड़ता है, खुद को समझना पड़ता है कि सिंपल क्वेश्चन है या टाइड रैंक वाला क्वेश्चन है। टाइड रैंक के लिए फॉर्मूला होता है 1 - 6 ब्रैकेट में सिग्मा डी आई स्क्वायर प्लस सिग्मा टी जे क्यूब माइनस टी जे अपॉन 12 अपॉन में एन एन स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे TJ का मतलब होता है how many times the number is repeated, कितनी बार वो number repeat हो रहा है, वो TJ का मतलब होता है। अब तरीका वही है जो हम करते आ रहे हैं। सबसे पहले आप क्या देते हो? रैंक ऑफ x। रैंक ऑफ x सबसे बड़ा नंबर कौन सा है बच्चों? 21। क्या वो रिपीट हो रहा है? नहीं, तो उसको किसी के साथ रैंक शेयर नहीं करनी, उसकी रैंक क्या हो गई? फर्स्ट। नेक्स्ट नंबर कौन सा है? 18। क्या वो रिपीट हो रहा है? हाँ। तो इस 18 को या तो सेकंड रैंक मिलती या थर्ड रैंक मिलती, तो इसका एवरेज निकाल लो। तो एवरेज कैसे निकलेगा? 5/2, दैट इज 2.5। तो इन दोनों को कौन सी रैंक दे दी अपन ने? 2.5। थर्ड नंबर कौन सा है? नेक्स्ट नंबर 15। क्या रिपीट हो रहा है? हाँ, 15 एक बार, दो बार, तीन बार रिपीट हो रहा है। थर्ड तक मैं रैंक दे चुकी बच्चों, नेक्स्ट रैंक कौन सी होगी? 4 या 5 या 6। ऊपर 3 है तो नीचे 3 से डिवाइड हो जाएगा, कितनी आएगी वैल्यू? 5। तो इनको मैंने 15 वाले को कौन सी रैंक दे दी? 5। नेक्स्ट नंबर कौन सा है? 12। क्या वो रिपीट हो रहा है? हाँ, कितनी बार? 1, 2, 3, 4, 5 बार रिपीट हो रहा है। 6 तक रैंक दे चुके, आगे 7 या फिर 8 या फिर 9 या फिर 10 या फिर 11 ये रैंक्स मिलेंगी उसको, डिवाइडेड बाय 5, कितनी आएगी वैल्यू? 9।
तो इन सबको रैंक कौन सी दे दी आपने, 9 दे दी। ये क्वेश्चन बहुत आराम से करना है, इसमें कैलकुलेशन होने गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। समझ में आ गया, जो जो नंबर्स को रैंक को शेयर करना था उनको शेयरिंग रैंक देते कर आगे वाले नंबर को उसे नेक्स्ट रैंक से अपन देते, क्लियर, एवरेज निकालकर। ऐसे ही आप क्या देते हो, रैंक ऑफ वाई, सबसे बड़े नंबर को फर्स्ट रैंक, सबसे बड़ा क्या है मेरे पास 6, क्या वो रिपीट हो रहा है, हाँ 1 2 3, तो 6 के लिए एवरेज निकाल लो 1, या फिर सेकंड रैंक या थर्ड रैंक डिवाइडेड बाय 3 कितनी वैल्यू आएगी 2, तो इसको मैंने कौन सी रैंक दे दी 2। नेक्स्ट नंबर कौन सा है मेरे पास 5, क्या वो रिपीट हो रहा है, हाँ 1 बार 2 3 3 बार, तो थर्ड तक रैंक दे चुकी, तो 4 5 या 6 रैंक मिलेगी आगे वाले 5 को, तो कौन सी कितनी आएगी 5, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। नेक्स्ट नंबर कौन सा है 4, क्या वो रिपीट हो रहा है, हाँ तो 6 तक रैंक दे चुके, या तो उसको 7th रैंक मिलती या उसको 8th रैंक मिलती, तो 7 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2 एवरेज कितना आएगा 7.5। नेक्स्ट नंबर कौन सा है 3, क्या वो रिपीट हो रहा है, नहीं 8 तक रैंक दे चुकी, ये 9th रैंक आ गई। नेक्स्ट कौन सा है 2, तो उसको रैंक या तो 10th मिलती या 11th मिलती, तो 10 प्लस 11 डिवाइडेड बाय 2 कितनी वैल्यू आएगी 10.5। रैंक देना समझ में आ गया, रैंक देना समझ में आ गया, जो नंबर्स रिपीट हो रहे हैं उसके आगे काउंट कर लो कितने कौन सी रैंक उनको शेयर करने, उसका एवरेज निकाल कर उन सबको रैंक्स देते जाओ। अब अपन क्या निकालते हैं, अब अपन DI निकालते हैं। बच्चों यहाँ कैलकुलेशन में गलती मत करना, DI निकालो सबसे पहले। DI कैसे निकलता था मेरा, रैंक ऑफ एक्स में से क्या माइनस कर देते थे, रैंक ऑफ वाई माइनस कर देते थे। 9 माइनस 5 कितना होगा 4, 5 माइनस 2 कितना होगा 3, 2.5 माइनस 9 कितना होगा माइनस का 6.5, 9 माइनस 7.5 इज 1.5, 5 माइनस 10.5 इज 5.5, माइनस का 1 माइनस 5 इज 4, 9 माइनस 2 इज 7, 2.5 माइनस इसका माइनस का 2.5, 9 माइनस 2 7, इसका आ जाएगा 5.5 माइनस का, इसकी वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 1.5। कर सकते हो ऐसा, अब DI का स्क्वायर निकाल सकते हो, निकालो माइनस इनटू माइनस प्लस हो जाएगा, आराम से निकालो। कितनी वैल्यू आ रही है 252.5 सिग्मा डी आई स्क्वायर। यहां तक आई सबकी, अब आगे ये कहता है, पहले अपन ये वाला पार्ट सॉल्व करते हैं, सिग्मा टीजे क्यूब माइनस टीजे अपॉन 12, ये वाला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, दैट इज इक्वल टू डायरेक्टली पुट कर दे। टीजे का मतलब क्या होता है, हाउ मेनी टाइम्स द नंबर इज रिपीटेड, वो नंबर कितनी बार रिपीट हुआ। सबसे पहले आप फर्स्ट वाली सीरीज में आओ, एक्स वाली सीरीज में आओ, इसमें सबसे पहले देखो नंबर 12 क्या वो रिपीट हो रहा है, हाँ कितनी बार 1 2 3 4 5, हाउ मेनी टाइम्स द नंबर इज रिपीटेड 5, तो टीजे की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 5 क्यूब माइनस 5 प्लस। नेक्स्ट नंबर कौन सा है 15, क्या वो रिपीट हो रहा है, हाँ 1 2 3, हाउ मेनी टाइम्स 15 इज रिपीटेड 3 टाइम्स, तो 3 क्यूब माइनस 3 प्लस। नेक्स्ट नंबर क्या है आपके पास 18, क्या वो रिपीट हो रहा है, हाँ 1 2, हाउ मेनी टाइम्स नंबर इज रिपीटेड 2 टाइम्स 2 क्यूब माइनस 2 प्लस। 21, क्या वो रिपीट हो रहा है, नहीं, फिर y वाली सीरीज में 5 5 कितनी बार रिपीट हो रहा है 1 2 3, हाउ मेनी टाइम्स नंबर इज रिपीटेड 3 टाइम्स, तो 3 क्यूब माइनस 3 प्लस।
नेक्स्ट क्या है आपके पास सिक्स, हाउ मेनी टाइम्स सिक्स इज रिपीटेड, वन टू थ्री, कितनी बार रिपीट हो रहा है, थ्री बार, तो थ्री क्यूब माइनस थ्री प्लस थ्री, थ्री कितनी बार रिपीट हो रहा है, वन, बस रिपीट नहीं, फोर कितनी बार रिपीट हो रहा है, वन टू, तो हाउ मेनी टाइम्स द नंबर इज रिपीटेड, टू टाइम्स टू क्यूब माइनस टू प्लस टू, टू कितनी बार रिपीट हो रहा है, दो बार, तो टू क्यूब माइनस टू, और इन सबको डिवाइड बाय ट्वेल्व कर दो, आप लोग ये वैल्यू निकाल लो, आंसर आ जाएगा। फाइव क्यू, फाइव इंटू फाइव माइनस फाइव कितना है, ये आपका 120 प्लस 27 माइनस थ्री इज 24, 8 माइनस टू इज 6 प्लस 24 प्लस 24 प्लस 6 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 12। कितना आ रहा है 17.5, ये सिर्फ सिग्मा टीजे क्यू माइनस टीजे पॉइंट 12 की वैल्यू आई है, पूरा नहीं आया। अब आप लोग पूरा रैंक निकालो, रैंक कोरिलेशन की वैल्यू 1 माइनस 6, सिग्मा डीए स्क्वायर कितना आया था 252.5 प्लस सिग्मा टीजे क्यू माइनस टीजे अपॉन 12 की वैल्यू कितनी है 17.5 अपॉन हाउ मेनी नंबर्स आते हैं 11, तो 11 11 स्क्वायर माइनस 1, सॉल्व करो बताओ कितना आएगा आंसर, माइनस का 0.227। तो आपकी रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू कितनी है, माइनस का 0.227 इसकी वैल्यू आ गई। देखो क्या किया बच्चों, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्या किया, सबसे पहले इसका फॉर्मूला होता है जब नंबर्स रिपीट होते हैं कि 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर प्लस सिग्मा टीजे क्यू माइनस टीजे अपॉन 12 अपॉन में एन एन स्क्वायर माइनस वन। रैंक ऑफ एक्स सबसे बड़े नंबर को फर्स्ट रैंक, जो नंबर्स रिपीट हो रहे हैं उनको रैंक शेयर करवाइए, तो उन रैंक्स का एवरेज निकाल कर उनको रैंक दे दे दो, ऐसी रैंक ऑफ वाई, फिर डी आई निकाला, फिर डी आई स्क्वायर निकाला, फिर अपन ने सम कर दिया, फिर टीजे कैसे निकाला, हाउ मेनी टाइम द नंबर इज रिपीटेड, और फिर अपन ने उसके बाद पूरी वैल्यूज पुट कर दी। यहाँ पे बच्चों देखो, अगर आपको ऐसे करना है कि डी आई निकाल कर फिर डी आई का स्क्वायर करना है, बहुत अच्छा लगता है, तो वो कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है कि मुझे ये भी मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर पे निकाल रही हूँ, मतलब मैं डायरेक्ट सिग्मा डी आई स्क्वायर पूरा कैलकुलेटर पे निकाल रही हूँ बिना डी आई निकाले। दोनों तरीके जो आपको अच्छा लगे, जिसमें आपको लगता है मेरी कैलकुलेशन सही आएगी, वही तरीका अपनाना है। ये तो इजी तरीका हो गया, पहले डी आई निकाला फिर डी आई स्क्वायर निकाला। थोड़ा सा डिफिकल्ट तरीका बताती हूँ, क्या करेंगे, डी आई मैं वैसे निकालने की जगह मैं क्या करती, क्योंकि मुझे पता है माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, तो मैं बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करती हूँ डायरेक्टली। रैंक में क्या करूंगी कैलकुलेटर के लिए, बड़ी में से छोटी माइनस, नाइन बड़ा है तो उसमें से फाइव माइनस किया, फिर इक्वल्स टू किया, फिर इक्वल्स टू करने के बाद इंटू, फिर इक्वल्स टू, फिर एम प्लस में डाला। मैंने क्या किया, नाइन बड़ी वैल्यू, जो भी रैंक ऑफ एक्स रैंक ऑफ वाई में से जो भी बड़ा है, बड़ी में से छोटी वैल्यू माइनस, नाइन माइनस फाइव, फिर इक्वल्स टू किया, फिर इंटू किया, फिर इक्वल्स टू किया, फिर उसको किस में डाल दिया, एम प्लस में डाल दिया। ऐसे यहाँ पे फाइव में से टू माइनस करेंगे, बड़ी में से छोटी वैल्यू माइनस, फिर इक्वल्स टू इंटू इक्वल्स टू, और फिर किस में डाल देंगे, एम प्लस में डाल देंगे। अब यहाँ पे बड़ा क्या है, नाइन, तो नाइन में से माइनस कर दोगे 2.5, बड़ी में से छोटी वैल्यू माइनस, दिमाग में ये चलता रहना चाहिए, बड़ी में से छोटी वैल्यू माइनस, बड़ी में से छोटी वैल्यू माइनस, ये पूरा कैलकुलेशन गलत हो जाएगा। जिन लोगों को लगता है कि हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, तो पहले डी आई निकाल लो अपना, फिर डी आई स्क्वायर निकाल लो, आपकी मिस्टेक नहीं होगी। और जिनको पूरा ही कैलकुलेटर पे सॉल्व करना है, वो डी आई भी इस तरीके से निकालेंगे, बड़ी में से छोटी वैल्यू माइनस, फिर इक्वल्स टू इनटू इक्वल्स टू एम प्लस, यहाँ पे नाइन में से 2.5 माइनस इक्वल्स टू इनटू इक्वल्स टू एम प्लस,
फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपके पास, ये तो इसमें से 9 बड़ा 9 में से माइनस किया 7.53 इक्वल्स टू इनटू इक्वल्स टू m प्लस एंड सो ऑन आप करते जाएंगे, लास्ट में मार्क्स कर करेंगे तो आपका 252.5 आ जाएगा। आपको ये अलग से डीआई निकालने की जरूरत नहीं है, पर कोई भी कंपल्शन नहीं है। अगर हमें लगता है कि ये वाला जो अभी मेथड सीखा है ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा तो आप लोग सिंपल डीआई निकालो, फिर डीआई का स्क्वायर करके फिर आंसर निकालो। पर जिनका कैलकुलेटर पे हाथ सेट है या जो हाथ बहुत अच्छे सेट करना चाहते हैं, पूरी कैलकुलेशन कैलकुलेटर पे करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये मेथड बहुत अच्छा है। क्योंकि अपने मीन डेविएशन में भी यही किया था, बड़ी में से छोटी वैल्यू माइनस इनटू फ्रीक्वेंसी किया था, मीन डेविएशन तो निकाला था। तो आप लोगों के दिमाग में बस कंटिन्यू चलते रहना चाहिए, बड़ी में से छोटी वैल्यू माइनस, बड़ी में से छोटी वैल्यू माइनस। और कैलकुलेटर में लिखते वक्त कोई गलती मत करो, चल धीरे धीरे करो पर एक बार में सही निकालो, अगर एक बार गलत हो गया तो पूरा आंसर गलत होता जाएगा। आ गया समझ में? आ गया। एक और क्वेश्चन करके देखें टाइड रैंक का। पर ये आप लोग मेरे साथ करेंगे, ये मुझे दे रखी है, इसका मुझे कब फाइंड आउट दी रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, फॉर्मूला, क्योंकि मुझे पता है नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। तो फॉर्मूला क्या होगा, 1 माइनस 6 ब्रैकेट में सिग्मा डी ए स्क्वायर प्लस सिग्मा टी जे क्यूब माइनस टी जे अपॉन 12 अपॉन में क्या है एन एन स्क्वायर माइनस 1। तो सबसे पहले रैंक ऑफ एक्स निकालो, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 80, क्या वो रिपीट हो रहा है, क्या रिपीट हो रहा है नहीं, तो उसको फर्स्ट रैंक। नेक्स्ट नंबर कौन सा है 60, क्या वो रिपीट हो रहा है नहीं, सेकंड रैंक। नेक्स्ट नंबर कौन सा है 40, रिपीट हो रहा है 1-2 बार रिपीट हो रहा है, तो उसको 3+4/2, तो उन दोनों को रैंक कौन सी मिलेगी आपकी 3.5 एंड 3.5। नेक्स्ट नंबर 20 वो रिपीट हो रहा है हाँ, तो उसको फिफ्थ या सिक्स्थ या सेवेंथ रैंक शेयर करनी है, फिफ्थ सिक्स्थ या सेवेंथ डिवाइडेड बाय 3, तो वैल्यू कितनी आएगी इसकी 6 हो गया रैंक ऑफ एक्स। ऐसे ही आप क्या निकालोगे रैंक ऑफ वाई, सबसे बड़े नंबर को फर्स्ट रैंक, सबसे बड़ा कौन सा है 60, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक, ये दोनों फोर्थ एंड फिफ्थ शेयर करेंगे, तो फोर्थ एंड फिफ्थ डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 4.5, और ये दोनों सिक्स एंड सेवेंथ शेयर करेंगे तो इनकी वैल्यू कितनी हो गई 6.5। फिर मैं डायरेक्टली अब की बार मैं कैलकुलेटर पे डायरेक्ट निकाल रही हूँ, मैं डी आई नहीं निकाल रही, बड़ी में से छोटी वैल्यू माइनस फिर इक्वल्स टू इनटू इक्वल्स टू एम प्लस मैं लिखती जा रही हूँ, आप लोग कैलकुलेटर पे करेंगे। बड़ी में से छोटी वैल्यू माइनस इक्वल्स टू इनटू इक्वल्स टू फिर कैलकुलेटर में एम प्लस दबाएंगे, बड़ी में से छोटी वैल्यू माइनस इक्वल्स टू इनटू इक्वल्स टू फिर एम प्लस, बड़ी में से छोटी वैल्यू माइनस इक्वल्स टू इनटू इक्वल्स टू एम प्लस, बड़ी में से छोटी वैल्यू माइनस इक्वल्स टू इनटू इक्वल्स टू एम प्लस, बड़ी में से छोटी वैल्यू माइनस इक्वल्स टू इनटू इक्वल्स टू एम प्लस, बड़ी में से छोटी वैल्यू माइनस इक्वल्स टू इनटू इक्वल्स टू एम प्लस, बड़ी में से छोटी वैल्यू माइनस इक्वल्स टू इनटू इक्वल्स टू एम प्लस, फिर क्या दबा दिया अपन ने एमआर से दबा दिया। वो सेकंड में 30 को थर्ड रैंक मिलेगी ना, अपने फोर्थ कर रखा है। हाँ इसको अगर आपको ये डिफिकल्ट लगता है तो पहले डी आई निकालो फिर डी आई का स्क्वायर कर दो। अगर बड़ी में से छोटी वैल्यू नहीं निकाली जा रही तो पहले डी आई निकाल लो फिर डी आई का स्क्वायर कर दो। कितना आ रहा है 62, कितने बच्चों का 62 आ रहा है, रेज योर हैंड्स, सबका 62 ही आ रहा है, वेरी गुड। फिर हम निकाल रहे हैं
वेरी गुड पलक, सिग्मा टी जे क्यू माइनस टी जे अपॉन 12, ये वैल्यू निकालो। 20 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3, तो 3 क्यू माइनस 3 प्लस 40 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 2, तो 2 क्यू माइनस 2 प्लस 60 रिपीट नहीं हो रहा, 80 रिपीट नहीं हो रहा, 10 रिपीट दो बार, 20 रिपीट दो बार, 30 नहीं हो रहा, 50 नहीं हो रहा, 60 नहीं हो रहा, डिवाइडेड बाय 12। सॉल्व करो, कितना आया, 0.1696। तो कोरिलेशन की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 0.1696। हमें खुद को इवैल्यूएट करना है कि ये सिंपल वाला क्वेश्चन है या फिर टाइट रैंक वाला। अगर आप लोगों को दिखता है कि कोई भी नंबर रिपीट हो रहा है तो टाइट रैंक वाला, अगर कोई रिपीट नहीं हो रहा तो सिंपल क्वेश्चन। वो लिखकर नहीं बताएगा कि कौन सा करना है, हमें देखकर पहचानना है कि कौन सा वाला क्वेश्चन। आ गया समझ में, क्वेश्चंस करें। एक बार बोल देना क्वेश्चंस के लिए। ये जो बीच के क्वेश्चन छूट गए करवाऊंगी बाद में, स्पेलमैन रैंक होने के बाद। 11th 12th 13th 14th 11th 12th 13th 14th सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। माइंड टाइम भी क्या वो आपको तो टाइम का 9th, अच्छा 9 10 11 12 13 14 9, 10, 11, 12, 13, 14 मैं खोल रही हूँ, आप लोग करना शुरू कर दो। हम कौन से क्वेश्चन करने हैं इसमें? 10, 11, 12, 13, 14
क्वेश्चंस पलक पे ग्रुप पे सेंड कर दो जी बेटा। हाँ मैम मिल गए देख लो। मिल गए? यस मैम। हाँ जी नाइन का आंसर। -0.38। नाइन का माइनस का 0.309।
चलो बच्चों टेंथ का क्या आंसर है? Very good, Palak.
Thank you.
दिया 11th का हो गया? यस मैम. अलग हो गया 11th का? यस मैम. राधिका? हो गया मैम. इधर क्लास में किस किस का हो गया 11th, रेज योर हैंड. किस किस का नहीं हुआ वो नीचे करो. किस किस का नहीं हुआ रेज योर हैंड. क्या क्या आ रहा है आंसर? 4.4 वो गलत है. करो दोबारा करो कैलकुलेशन. फॉर्मूला लिखा करो. कहीं फॉर्मूले में तो कोई मिस्टेक नहीं कर दी आप लोगों ने? फॉर्मूला लिखकर फिर वैल्यूज पुट किया करो हमेशा. हाँ जी बच्चों 12th का क्या आंसर आ रहा है? माइनस का 0.1428. चलो 13th एंड 14th विल बी द होमवर्क फॉर टुडे. पांच मिनट का ब्रेक है बच्चों, फिर इको का टेस्ट है. 5 मिनट पानी वाली पिया और इसको पीना है, फिर इको का टेस्ट है. चलो बाय.
मैं क्लास एंड कर रही हूँ।